ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को सावन मास, माता पार्वती और भगवान शिव का सर्वोत्तम माह माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस माह में ही भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके साथ विवाह करने के लिए राजी हुए थे, तो इसलिए यह माह भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय माह माना जाता है। और इस बार सावन मास में बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार 8 सोमवार मनाए जाएंगे और महिलाओं को पूजा पाठ में सबसे प्रथम स्थान दिया जाता है। कहा जाता है ना कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए इस सावन मास में कुछ ऐसे कार्य हैं जो सुहागन स्त्रियों को जरूर करने चाहिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। सभी महिलाओं को यह कार्य जरूर करने चाहिए। नंबर 1 है हरी चूड़ियाँ। हरी चूड़ियाँ माता गौरी को अत्यंत प्रिय है। उन्हें हरा रंग बहुत पसंद है और हरियाली, हरा रंग हरियाली को प्रतीक करता है, इसलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। हर सुहागन स्त्रियों को सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ अपनी कलाई में जरूर पहननी चाहिए। इससे माता गौरी और शिव का आशीर्वाद मिलता है और माता पार्वती हमसे बहुत प्रसन्न होती है। और नंबर 2 वस्तु है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र हर सुहागन स्त्री को सावन के महीने में मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। वैसे तो आजकल फैशन हो गया है, लोग पहनते नहीं हैं, लेकिन सावन के महीने में जरूर पहनना चाहिए। कहते हैं वैसे तो कभी अपने गले से मंगलसूत्र को नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि यह हमारी सुहाग की निशानी होती है। और अगर आपका कहीं पर से मंगलसूत्र कहीं से कोई टूट गया है, दाने निकल गए हैं, तो उसको सावन के महीने से पहले ही ठीक कर लें और सही वाला मंगलसूत्र जरूर पहन लें। और नंबर 3 है वस्त्र। वस्त्रों का विशेष रूप से सावन के महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी काले और नीले गहरे रंग के वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। हमेशा अगर आपका सावन के महीने में वस्त्र पहनते हो तो सबसे पहले तो प्रथम स्थान हरे रंग को दिया जाता है, क्योंकि माता पार्वती को हरा रंग, हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद आती है और इससे माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद हमें मिलता है। हो सके तो आप सबसे पहले हरे रंग की वस्त्र धारण करें। अगर हरा नहीं है तो हरा, पीला, गुलाबी, लाल, इन रंगों का प्रयोग करें। चटकीले रंग माता पार्वती को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आप अपने वस्त्रों का सावन के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखें। और 4 है सिंदूर। हर सुहागन स्त्री को सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। जब आप स्नान करके आते हो उसके बाद सबसे पहले अपने मांग में सिंदूर भरना चाहिए, और सिंदूर लिक्विड वाला नहीं, पाउडर वाला, वो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो इसलिए अपनी मांग को पूरा सिंदूर से भरें। इससे कहते हैं कि पति की आयु लंबी होती है और माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद हमें मिलता है। हमेशा सावन के महीने में 16 श्रृंगार करना चाहिए। वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप रोजाना सच सच के रहो, लेकिन सोमवार के दिन पूरा 16 श्रृंगार करके शिव जी भगवान जी को जल अर्पण करने जाना चाहिए। इससे माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। और पैरों में बिछुए और पायलों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहा जाता है कि जब सुहागन औरतें
पायल पहनती है और वो पायल की छनकार जब छन छन होती है तो उससे माता गौरी और शिवजी भगवान जी का आशीर्वाद हमें मिलता है और उस घर में माता पार्वती का वास होता है। इसलिए हमें पायल और बिछुए जरूर पहनने चाहिए। ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को सावन के महीने में जरूर करने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। भगवान शिव और माता पार्वती आपके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।